आर्यन खान के ड्रग मामले के बीच ड्रग जैसी गंदी लतों का शिकार होने वाले यूथ के लिए एक अच्छी खबर आई है। शाहरुख के लिए भी ये बड़ी खबर है, क्योंकि शाहरुख खान भी इससे अपने बेटे को, अगर वो इस गंदी लत के शिकार हुए हैं तो इस बेटे को एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। वेल, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई की ही ये तस्वीरें हैं उस लग्जरी रिहैब सेंटर्स की, जहां पर इस तरह के बुरे लत से बाहर निकला जा सकता है। एडिक्शन जो कि परिवार के मेंबर्स तक को बुरी तरह से तबाह कर सकता है, रिलेशनशिप, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब को तबाह कर सकता है। ड्रग एडिक्शन उन्हीं में से एक है। ऐसे में वेदा रिहैब और वेलनेस सेंटर जो है ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना जा रहा है, जिसके लिए आप अपने करीबियों को सपोर्ट कर सकते हैं। आप बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक रिहैब का जो सेंटर है वहाँ पर अपने करीबियों को भेज सकते हैं ताकि उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके और रिहैब में एक इस तरह के बुरे लत से उभर जाने का मौका मिलता है। उभारने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जाती है। तो आप सभी वाकई में इस बारे में जानकर ज़रूर जो है सो इस तरफ जाने की ओर कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है बहुत ही स्पेशल है। ख़ास तौर पर अभी शाहरुख के बेटे को लेकर जो खबर आई है, इसे कहीं ना कहीं बाकी यूथ भी सीख ले सकते हैं और गलती हुई भी हो तो उसे सुधारने का ये मौका सबसे बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।